माता पिता और वृद्धजनों के सम्मान की। शपथ, गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने की। शपथ, देश के समग्र विकास में स्वच्छता की। शपथ, जीवन रक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन की। शपथ, वृक्ष लगाकर धरा को प्रदूषण मुक्त कराने की। शपथ, देशभक्ति, सामाजिक सरोकार, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करने की। अब युवा लेगा शपथ। सम्मान, समर्पण और सेवा, जीवन के ये वो मूल उद्देश्य हैं जिनके माध्यम से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है, समाज को सार्थक किया जा सकता है और देश का समग्र विकास किया जा सकता है। तो शपथ की टीम लगातार इस मुहिम को स्कूल कॉलेजों के माध्यम से चला रही है और बच्चों को जागरूक कर एक अच्छे समाज निर्माण की परिकल्पना कर रही है। तो ये हम जान सकते हैं कि अभी ये टीम का 5वां पड़ाव है और संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में शपथ का आयोजन कराने ये टीम आ चुकी है और निश्चित रूप से इन बच्चों के माध्यम से हर एक परिवार को शपथ का वो आकलन कराया जाएगा, वो उद्देश्य समझाया जाएगा जिसके माध्यम से हम समाज का निर्माण करेंगे और समाज में फैली उन विकृतियों को, उन विसंगतियों को दूर करेंगे। तो ये बच्चे उस घड़े की तरह हैं जिनको जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे। शपथ की टीम यही उद्देश्य लेकर के चल रही है कि इस समाज का हमें बदलाव करना है और बदलाव करेंगे आज के यूथ। यूथ हमें कहाँ मिलेगा? कॉलेज के माध्यम से। तो इसके स्कूल कॉलेज के माध्यम से ये टीम लगातार इस मुहिम को जारी रखे है ताकि समग्र विकास देश का हो, अच्छे समाज का निर्माण हो, गुरु शिष्य परंपरा कायम रहे, माता पिता वृद्धजनों का सम्मान हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और धरा को बचाया जा सके वृक्ष लगाकर, यातायात सुरक्षा, रोड एक्सीडेंट, ये तमाम ऐसी विसंगतियाँ हैं, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। इन तमाम मुहिम को लेकर आज शपथ की टीम निश्चित रूप से ये कह सकती है कि हम एक सार्थक पहल लेकर के समाज के बीच पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से ये हमारी मुहिम एक स्कूल कॉलेज से लेकर के देश के हर कोने तक पहुंचेगी और समाज को जागरूक करेगी, झकझोर देगी और निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है वो कायम रहेंगी और उसको कायम रखने के लिए शपथ की टीम निरंतर प्रयास करती रहेगी। तो आइए आप भी हम इस शपथ का हिस्सा बने और आज इस शपथ के माध्यम से संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उनको शपथ दिलाएंगे और उनके अंदर भाव जागृत कर, परिवारों को समेहित कर, उस सम्मान को जगा कर और देश की, अच्छे देश की परिकल्पना कर तमाम उन मुद्दों को रखेंगे जिससे निश्चित एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। तो आइए आज हमारे साथ संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में शपथ के इस भव्य कार्यक्रम में चलते हैं।
आजकल दुख हो रही है कि आज हमारे महाविद्यालय में मनोहर समाचार की टीम शपथ समारोह का आयोजन कर रही है। भारतीय संस्कृति एवं अत्यंत उन्नत एवं प्राचीनतम संस्कृति है। हमारी संस्कृति में प्रेम, सद्भावना एवं त्याग की भावना सिखाई जाती है। हमारा इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो हमारे लिए उदाहरण बन के आज भी जीवित हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्रवण कुमार, राजा हर्ष आदि। परंतु दुर्भाग्यवश हमारी युवा पूरी पीढ़ी पश्चिमी सभ्यता की विलासिता एवं धन दौलता की ओर आकर्षित हो रही है। आज हर रिश्ता पैसों से तोला जाता है। कहा जाता है, बाप ना भैया सबसे बड़ा गुरु। इसके साथ ही हमारे महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री रविकांत चावला जी भी उपस्थित हैं, जो एक युवा डायरेक्टर हैं, जिनकी छत्र छाया में हमारा शिक्षण संस्थान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री सुमित पटवाल जी, मधु शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इनपुट आउटपुट हेड श्री राजकुमार उपल जी, कैमरामैन जीतू दीक्षित जी, सुवेक कुमार जी भी महाविद्यालय में इस समय सभागार में उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए मुख्य अतिथि जी एवं श्री रविकांत चावला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्राचार्य डॉक्टर मोहरी तिवारी जी, आप सब से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि जी, अतिथिगण, डायरेक्टर जी एवं प्राचार्य जी मंच पर आए। जी मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत करते हुए, अब मैं रवि सर जी से अनुरोध करूंगी कि वो तुलसी का पौधा देकर हमारे अतिथि जी का स्वागत करें। अब मैं रवि सर जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम के अतिथि श्री वीपी शर्मा जी को माला पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं डेन न्यूज़ के हेड श्री वीपी शर्मा जी को कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका मंच पर स्वागत है। आज आप लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य है सम्मान, समर्पण और सेवा, जो आज हमारे समाज में कहीं ना कहीं विखंडित होती जा रही है। तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज में विकृतियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, उनको अगर दूर किया जा सकता है तो उसमें युवाओं का विशेष महत्व है। और युवाओं के माध्यम से
हम इन विसंगतियों को दूर कर सकते हैं जो इस देश की, समाज की, सारी दुनिया की समस्याएं बन चुकी हैं। सृष्टि का सृजन करने के लिए आप यहाँ सब उपस्थित हैं और आप लोगों की विशेष जिम्मेदारी बनती है। जहाँ आप दो परिवारों का सृजन करते हैं तो ये आपका एक उत्तरदायित्व बनता है कि अगर किसी को सम्मान देना है तो सबसे पहले हमें सम्मान करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमें सम्मान मिलेगा। आज हमारे बीच वृद्धजनों की एक मुख्य समस्या बन चुकी है वृद्धाश्रम। आखिर हमें अपने वृद्धों को वृद्धाश्रम क्यों भेजना पड़ता है, इसका मुख्य कारण क्या है, इस चीज़ को हमें मन से समझना होगा और अपने माता पिता और वृद्धजनों की सेवा करना अपना नैतिक कर्तव्य समझना होगा। इसके साथ ही गुरु शिष्य परंपरा जो कहीं ना कहीं विकृत होती जा रही है उसको संभालना होगा, सहेजना होगा। ये हमारे आदिकाल से लेकर जो गुरु शिष्य परंपरा है, एक महान रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, इसको कायम रखना हमारी विशेष जिम्मेदारी है। तो ये आप लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि इस रिश्ते को संभालना और आने वाली पीढ़ी को आत्मसात कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का एक नारा दिया है, तो स्वच्छ भारत मिशन अगर सफल होना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वच्छता को आत्मसात करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारे देश का समग्र विकास होगा। इसके साथ ही अगर हमें रोड एक्सीडेंट को अगर रोकना है तो यातायात नियमों का पालन करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जरा जरा सी छोटी जो कमियां रह जाती हैं, लापरवाही होती है, उनकी वजह से न जाने कितने परिवार दुख के साए में चले जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। इसके साथ ही तमाम प्रदूषण की समस्या जो देश दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग जो आज दुनिया में देखी जा रही है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो निश्चित रूप से वृक्ष लगाना होगा, और वृक्ष लगाना ही नहीं, उसका बच्चों की तरह पालन पोषण करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इस धरा को प्रदूषण से मुक्त कराया जा सकता है। साथ ही एक नशा की दुनिया है जिसमें तमाम ऐसी चीज़ एल्कोहल आज दुनिया में, समाज में मौजूद है, जिसके बल पर समाज विखंडित होते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, उसको अगर दूर करना है तो ये तमाम चीज़ें हैं। स्कूल कॉलेज के माध्यम से आज हम आपके बीच उपस्थित हैं, शपथ के माध्यम से सम्मान समर्पण सेवा जो आज हमने नारा दिया है, इसको आप निश्चित रूप से अपने आप में तो आत्मसात करेंगे ही, साथ ही अपने आसपास में, अपने वातावरण में, अपने पड़ोसियों को, अपनी घर गृहस्थी में जाकर के सबको बताएंगे कि जिस प्रकार की यह शपथ आज संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में दिलाई गई है और प्रबंधन ने इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजन किया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये शपथ, ये मुहिम आज यही नहीं पूरे देश की मुहिम बनेगी और आप लोगों के माध्यम से एक समाज में नया सैलाब आएगा, नया बदलाव लाएगा और देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं शपथ ग्रहण करने के लिए मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन गोयल जी एवं श्री रविकांत चावला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सम्मान समर्पण और सेवा, इसके लिए सभी बच्चों को आज शपथ लेनी होगी, क्योंकि आज के समय में जो बच्चे पीछे पिछड़ रहे हैं, जिन्हें नहीं मालूम है कि ये शपथ क्या चीज़ होती है और हमें पेड़ पौधे और बुजुर्गों का किस तरह सम्मान करना चाहिए, माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, वह कैसी सरलता और विनम्रता रखनी चाहिए, जो आज के बच्चों में बहुत कम दिखती है, तो उसके लिए सभी को ये शपथ लेनी होगी कि आगे से हम लोग इस शपथ लेकर के अपने घर पे जाके व अन्य सभी परिवारों में और जो भी आपके मित्र हैं, संगी साथी हैं, सभी को आप बताएंगे कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि धरती हरी भरी रहे, प्रदूषण मुक्त रहे। मैं शपथ लेती हूँ, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को आत्मसात करते हुए अपने माता पिता और वृद्धजनों की सेवा करूंगी। इसके साथ गुरु शिष्य परंपरा का आदर और सत्कार करते देश के समग्र विकास में स्वच्छता को
देश के समग्र विकास में स्वच्छता प्राथमिकता दूंगा, साथ ही अपने और दूसरों के जीवन को बचाने के दृष्टिगत यातायात नियमों का पालन करूंगा एवं करूंगी। धरा को बचाने के लिए अपने जीवन में एक वृक्ष लगाकर उसका पालन पोषण करूंगा एवं करूंगी। मैं ये भी शपथ लेता हूँ कि उपरोक्त सभी नियमों शक्ति से पालन करते हुए सभी को इनके प्रति प्रेरित करूंगा, साथ ही देशभक्ति और सामाजिक सरोकार की भूमि का निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ग्रहण करी है इसको मात्र शब्दों तक या इस विद्यालय के प्रांगण तक ना सीमित रहे। अभी आपको बताया गया है इस शपथ को अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने परिवार में और समाज में लाने का प्रयास करेंगी और शांतिपूर्वक बैठेंगी। अब मैं मुख्य अतिथि जी को मंच पर कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। बैठे हुए सभागार में बेटियाँ सभी बड़ों को नमस्कार करती हूँ और सभी को कहना चाहूँगी कि आज जो आप सभी ने शपथ ग्रहण की है उसका पालन आप बहुत खूबी से निभाएंगे, क्योंकि आज जो ज़माने में हो रहा है और हम देख रहे हैं, शायद आप भी इस चीज़ को देख रही होंगी व देख रहे होंगे सभी, तो उसी को लेकर के आज यहाँ जो समारोह मनाया जा रहा है जिसके लिए शपथ ग्रहण और संत रामकृष्ण महाविद्यालय में हो रहा है, इसका सभी नियमों का पालन करेंगे। तो मैं आगे और कुछ ना कहते हुए सभी को नमस्कार करती हूँ और शपथ ग्रहण के लिए पालन करने के लिए सभी को बोलती हूँ जय हिंद, जय भारत। अब मैं श्री रवि सर जी को सम्मान पत्र देने के लिए श्री वीपी शर्मा जी एवं उनके साथ आए सहयोगियों को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं श्री रवि सर जी को सम्मान पत्र देने के लिए डेन न्यूज़ के हेड श्री वीपी शर्मा जी एवं उनके साथ आए सहयोगियों को आमंत्रित करती हूँ। अब मैं महाविद्यालय के निदेशक श्री रवि सर जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों से केवल एक ही बात कहूँगा कि जो आज शपथ दिलाई गई है श्रीमती सुमन गोयल जी द्वारा, जो शपथ दिलाई गई है वो केवल शपथ दिलाने का मतलब ये नहीं कि आज पढ़ा और फिर भूल गए। सबसे पहली चीज़ कि उसके अंदर जो एक एक जो वर्ड, एक एक जो शब्द लिखा हुआ है उसे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सबसे पहली चीज़ आती है गुरु शिष्य परंपरा, जो आज के समय में लगभग सभी शिष्य भूल चुके हैं। वो हम लोगों को दोबारा से उसको जीवित करना है, गुरु शिष्य परंपरा को। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है माता पिता और वृद्धजनों की सेवा करना। उनसे सीखिए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी है, संस्थान में आज कार्यक्रम भी है, तो उनसे हम लोगों को एक्सपीरियंस लेना है और जो उनका एक्सपीरियंस है वो हमें ग्रहण करना है कि हम कैसे उनके एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि जो उनसे उनके द्वारा जो गलतियाँ की गई हैं हम उस गलती को दोबारा रिपीट करके फिर सीखें, ज़्यादा अच्छा है कि जो उनके द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं उन्हीं से सीख करके दोबारा एक्सपीरियंस ना लेना पड़े और हम लोग आगे बढ़ें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शर्मा जी का कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम
संस्थान में रखा, शपथ ग्रहण बच्चों को दिलाई जिससे कि बच्चे सीखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद देना चाहूँगा गोयल मैम का कि वो समय निकाल करके आज हमारे बीच में आई, धन्यवाद। अभी क्योंकि मुरारीलाल गोयल जी को भी आना था, वो आए नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आज उनका जन्मदिवस है, शायद जन्मदिवस मना रहे होंगे मेरे हिसाब से, है ना, तो आ जाते तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता, मैंने सुबह फ़ोन भी किया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कॉलेज की पूरी टीम का जिन्होंने पूरे अच्छे तरह से इस फंक्शन को, इस शपथ ग्रहण समारोह को अच्छे तरह से निर्वहन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं राष्ट्रीय गान के लिए छात्राओं को, जो प्रेयर पार्टी के छात्राएं हैं वो कृपया राष्ट्रीय गान के लिए ऊपर आ जाएं। शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है उसका यही एक उपदेश है कि बच्चे कुछ सीखें और अपने मित्रों को और अपने भाइयों को और घर में जो छोटे भाई बहन हैं उन सबको यही शिक्षा दें कि हमें संसार में आज क्या करना है और हमें जगत में क्या करना है, अपने देश में क्या करना है। तो वृक्ष लगा करके हमें धरा को बचाना है, प्रदूषण को रोकना है और अपनी वाणी को नरम और सरल बना करके वृद्धजनों की, भाई बंधुओं की, सभी की हमें एक उनकी सेवा करनी है और उनको मीठी वाणी से प्रसन्न करना है जिससे कि हमें उनका आशीर्वाद भी मिले और हम आगे की राहों पर अच्छे और संस्कारों से बढ़ते हुए अपने भी साथ में साथी संबंधियों को लेकर के आगे बढ़ें और शिक्षा के क्षेत्र में भी जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे तब बड़ों का सम्मान करेंगे और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और इसी के साथ साथ सबका धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही सराहनीय कदम है युवाओं के लिए क्योंकि हम अपनी बात को कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा घर घर तक पहुंचा सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है कि इससे पूरा परिवार उस शपथ को पढ़ेगा और सीखेगा कि मुझे क्या करना है, वृद्धों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, शिक्षक और गुरु के जो संबंध हैं वो मधुर रहें, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे महाविद्यालय में जो ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है वो एक सराहनीय प्रयास है क्योंकि आजकल जो बच्चों के अंदर से मूल्य और संस्कार ख़त्म होते चले जा रहे हैं तो उनको दोबारा से उन बच्चों में वापस लाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम एक प्रयास कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को ये हो सके कि हाँ हमारी अपनी जो संस्कृति है हमारे देश की वो हमारे अंदर से दूर होती जा रही है तो हम उसको दोबारा से अपने अंदर ढालने का, जिसके लिए हमारा जो देश है विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त है और उन्हीं संस्कारों को अगर हम भूलते चले जा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और ये डेन न्यूज़ और जो मनोहर पत्रिका है इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसके द्वारा हम अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस लाने का एक सार्थक प्रयास कर सकते हैं। आज यहाँ पर शपथ ग्रहण हुआ है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर सिटीजन से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छी तरीके से बात नहीं करते हैं तो इसके थ्रू हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर, हमारी टीचर्स, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करवाया कि हम अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं शपथ के थ्रू। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी इसी तरीके से करती रही तो हमारा भारत फ्यूचर जो है उसका वो बहुत बेकार हो जाएगा। इसलिए हम अपने शपथ के थ्रू अपने बच्चों को और आगे प्रेरित कर सकते हैं कि वो आगे के लिए बहुत इम्प्रूव करें अपने आप को। भारत देश की संस्कृति इतनी महान है, इस देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए। हमें उनका ये वृद्ध जब एक इस एज में आ जाते हैं कि उनके मतलब वो उनका जो जीवन है वो नीरस हो जाता है
तो हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके उनके हर मुश्किल में उनका साथ देना चाहिए, हमें उनके अपने व्यवहार ऐसा व्यवहार रखना चाहिए ताकि उन्हें अपने जीवन को जीने में आसानी हो। और हमें अपने जो हमारी आज की शपथ थी, जो हमने आज शपथ ली, जिसके लिए हमें अपने माता पिता की तहे दिल से सेवा करनी चाहिए। हमें कभी भी उनको ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे उनको दुख पहुँचे, और हमें ना ही ऐसे कुछ बातें बोलनी चाहिए, ना ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको जिस बात का बुरा लगता है। और आज हमारे देश में जो संस्कृति चल रही है जिसके तहत हमें उन्हें ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनको वृद्धाश्रम में भेजना पड़ता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे ये नौबत आए। इसमें एक हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है, हमने शपथ ली सब लोगों ने कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़ों से अच्छे से बात करना चाहिए, जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर है जिस चीज़ के लिए जाना जाता है कि यहाँ के बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं। लेकिन आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और मम्मी पापा या बड़े अपने दादी दादाजी सबसे बदतमीजी से बात करने लगे हैं, लेकिन ये चीज़ हम भूलते जा रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए हमारा कल्चर फेमस है उसी चीज़ को हम भूलते जा रहे हैं। और बाकी हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि बड़ों का आदर, माता पिता का आदर, बुजुर्ग का आदर और वृक्षारोपण, यह हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और इससे हमारे जो कल्चर जाना चाहता है कि बड़ों के सम्मान कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम आगे बताना चाहते हैं। हमारे जितने भी कल्चर के स्टूडेंट्स हैं ये भूल गए हैं कि मैनर्स क्या होती है, मैनर्स क्या होती है। वो लोग बेजनों का सम्मान नहीं करते, टीचर्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप लोग से मेरी यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग सभी टीचर्स और बेजनों का सम्मान करें, जिससे हम लोगों ने यातायात नियम और वृक्ष लगाना और वृद्धों की सम्मान देना ये सब बहुत आवश्यक है, जो कि हम अपनी संस्कृति के तहत भूलते चले जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम मिला दिया जाए तो हर शहर में जो बने हुए हैं इस तरह के जो बच्चे अनाथ आश्रम में रह रहे हैं उन्हें वृद्धों के से कुछ सीखने को मिलेगा और उन्हें एक परिवार भी मिलेगा। और इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर और भी चैनलों के माध्यम से होने चाहिए। बहुत ही अच्छी मुहिम रही आपकी, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी आप सब लोगों का, आपकी टीम का, कि इस तरह के कार्यक्रम को आपने हमारे महाविद्यालय में रखा, क्योंकि आज इस तरह के कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत है। हमें सबको शपथ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इस चीज़ को भूल चुकी है कि कैसे हमें अपने माता पिता से बात करनी है, कैसे उनकी रेस्पेक्ट करनी है। ये हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है, जिसको हमारा युवा पीढ़ी भूलती चली जा रही है। तो हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि शपथ जो हमने ली है उसका हम पालन करें और अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने वृद्धजनों का, स्वच्छता की, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और कसम को पूरा करें। माता पिता हैं उनके, वो भी खुद अपने वृद्धजनों का अभिवादन और जो बहुत सारी सहन शक्ति है सब भूल चुके हैं, लेकिन इस शपथ के माध्यम से जो बच्चों को और जो बच्चे यहाँ हैं, बहुत सारे संख्या में बच्चे हैं, इसके माध्यम से घर घर बच्चे जाएंगे और अपने माँ बाप को भी ये चीज़ सिखाएंगे कि नहीं, उन्हें भी वृद्ध होना है, वो भी ये चीज़ सीखें कि आज वो भी युवा हैं और आज कल भी उन्हें युवा वृद्ध होना है, जिससे कि वह इसके शपथ के माध्यम से सीखें। और जो भी है कि वृद्धों की समस्या है वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, इस चीज़ को छोड़कर वो अपने वृद्धों का, माता पिता का सम्मान करें। जैसे कि हम लोग हमारा देश जाना जाता है भारतीय संस्कृति के लिए, लेकिन हमारे आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को भूलती चली जा रही है, तो वृद्धजनों का सम्मान करना भूलती चली जा रही है, वो अपने गुरुजनों का आदर करना भूलती चली जा रही है। तो मैं डेल न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह से हमारी छात्राओं को याद दिलवाया कि हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, वृद्धजनों का किस तरह आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए, हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और अपने और सभी के जीवन को बचाने के लिए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में होते रहें, जो कि आगे की ओर मोटिवेट छात्राएँ होती रहें। आज अगर एक माता बच्चों का पालन पोषण इतने अच्छे तरीके से करती है, अगर बच्चा किसी बात को पूछता है कि माँ ये क्या है, तो वो माँ बच्चे को 10 बार बताती है कि बेटा ये पेड़ पे चिड़िया है, बेटा ये है, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। आज जब वही वृद्ध लोग वृद्ध हो जाते हैं, जब वही बच्चों से पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, तो वही बेटा या वही बेटी झिड़क कर जवाब देती है। तो इस तरीके का मैं चाहती हूँ कि समाज में कोई भी बच्चा इस तरीके का रूडली व्यवहार अपने माता पिता से ना करे। माता पिता, वृद्धजनों एवं गुरु शिष्य संबंध के संबंध में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया वह अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम है।
ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है जन्नत का वहीं वास होता है। यदि हम बच्चों को प्रारंभ से ये बात बताएं तो माता पिता का सम्मान भी करेंगे, वृद्धजनों की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, साथ में जो पारिवारिक समस्याएं हैं वह भी सुलझ जाएंगी और बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। ऐसे कार्यक्रम हमेशा कराते रहना चाहिए जिससे कि बच्चों के अंदर जो संस्कृति है, संस्कृति सभी बच्चों के अंदर है, सभी बच्चे जानते हैं कि हमें ये सारे काम करने चाहिए, बट ये है कि एक थिंकिंग और एक न्यू हो जाती है कि उनको एक कंपल्शन हो जाता है इस तरीके का कि हमें ये सारे काम करने चाहिए। गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको भी बनाए रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की।